नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले सोए भाई का, और ये बनाया गया है वीडियो जो अभी मियांवाली जो एयरफोर्स स्टेशन है, एयरफोर्स बेस है, जिसका नाम MM आलम एयरबेस कर दिया गया है, उसके ऊपर आप सबने देखा कि कैसे हमला हुआ और कैसे वहाँ पर क्या क्या हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, आर्मी मतलब एयरफोर्स की बेस पर बहुत बड़ा अटैक है। तो चलिए इस पर देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है। हो गया सर, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक अफसोसनाक खबर है। कल अगर बात करें तो बलूचिस्तान में अटैक किया गया, आर्मी की जो गाड़ियां उनके ऊपर अटैक किया और हमारे जो फौजी जवान हैं उनकी जाने गई। फिर आज की अगर बात करें मियांवाली पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस के ऊपर अटैक किया गया और खबरों के मुताबिक हमारे जो 3 जेट्स हैं, एयर जेट्स हैं, वो तबाह हो गए हैं कुछ खबरों के मुताबिक। क्या कहना चाहेंगे? पहले ये कह रहे थे कि आम पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो सिक्योर नहीं है, ये चीज़ें हैं। अब हमें इस तरीके से जो अटैक देखने को मिल रहे हैं। आपका गुड नेम? सुहेब। सुहेब, इस सवाल को समझने के लिए आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या कहती है। ये दो बम ब्लास्टिंग का आप जिक्र कर रहे हैं मियांवाली और क्वेटा में, अगर आप हिस्ट्री देखें तो गुज़िश्ता कई सालों से बम ब्लास्टिंग हो रही है और मारा कौन जा रहा है? आम फौजी। सवाल ये है कि जब आम फौजी मारा जा रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पॉलिसी, कहीं ना कोई आपकी स्ट्रेटजी के अंदर फॉल्ट है। बनाने वाले कौन है? हमारे हुक्मरान है, हमारे ही बड़े जनरल्स कह लें आप। जब वो पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, जिस मुल्क में बम ब्लास्टिंग हो, और ये आप देखें मुशर्रफ के दौर में कितनी हुई, उससे ज़िया के दौर में हुई। कहने का मकसद ये है कि जो मुल्क पे रूल करते हैं, और रूल करने वाले कौन कौन से हैं, अब ये बात सबको समझ आ गई है। ठीक है सोएब, जब रूल करने वाले का इंटरेस्ट वो नहीं होगा जो एक मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है, तो फिर क्या रिज़ल्ट आएगा? एक दफ़ा बम ब्लास्टिंग हो गई, समझ आ गई कि हमारी सिक्योरिटी के मेजरमेंट ठीक नहीं थे, समझ आ गई। दूसरी दफ़ा होगा, समझ आ गई। ये मुमकिन नहीं है कि एक बम ब्लास्टिंग की कंसिस्टेंसी हो और हम इस काबिल भी ना हो कि हम उसके लिए लायामल बनाएं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि यार आइंदा के लिए ना हो। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी बात करना चाहूँगा कि देखें, एक साइड पे हमें यह बताया जाता है कि दुनिया की नंबर वन आर्मी या नंबर वन एजेंसी या नंबर वन फोर्स, और दूसरी साइड पे उसी फोर्स या उसी आर्मी या उसी अदारे के ऊपर इस तरीके से जब अटैक होते हैं। सर एक चीज़ आपने हिस्ट्री की बात की, नो डाउट हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है, और खासतौर पर जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट रही, जो हम अमेरिका के हाथों खेल यूज़ होते रहे, ये सब कुछ। लेकिन इन्हीं दिनों अफगानिस्तान के साथ जो हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बड़ा मज़ा आने वाला सर से बात करके उनके नॉलेज के। मुझे जो थोड़ा आइडिया, मुझे ये बताओ कि ये अफगान मुहाजरीन कब आए थे? ठीक है, ये ऑलमोस्ट 30 से 40 साल पहले जब वहाँ पे, जब अफगानिस्तान में एक इशू जंग का माहौल बनाया गया, और माहौल किसने बनाया, अगर उसकी आप डेप्थ में जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी। रशिया को रोकने के लिए पाकिस्तान ने प्रॉक्सी का किरदार अदा किया, मुजाहिदीन भेजे, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुजाहिदीन लेकर आए, और रिजल्ट आपके सामने है। मुजाहिदीन इसका मतलब हमने तैयार किए? हमने क्या नहीं तैयार किया यार, हमने तो हमेशा फ्रॉम द फर्स्ट डे जब से पाकिस्तान बना 58 से इन्होंने कब्जा किया। 58 से भी पीछे चले जाएं तो इन्होंने बड पीर वगैरह के अड्डे दिए। किसको कब्जा कहाँ पे किया? पाकिस्तान पे जब किया, अयूब की शक्ल में आया, मार्शल ला शक्ल आया। आप तब से लेकर अब तक देखें कि पॉलिसी कौन जनरेट करता है, बनाता कौन है, किसके इख्तियार में है, क्या पॉलिटिशियन के इख्तियार में है, तो जवाब आपको मिलेगा नो, दे ऑलवेज दे आर दी पॉलिसी मेकर्स। और उन्होंने कह रखा था कि 4-5 मामलात में पॉलिटिशियन हजरात आपने इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, खारजा जो मामलात थे, और दूसरा ये जुडिशरी के मामलात थे, और तीसरा ये कश्मीर के मामलात, और इंटरनेशनल अफेयर में आपने मुदाखलत नहीं कर। हम ऑल इन ऑल हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि जो चीज़ आज से 50 साल पहले चंद इंटेलेक्चुअल को, चंद दानश्वरों को, चंद राइटर्स को और चंद शुरा को पता थी, आज वो बच्चे बच्चे को पता लग गया है। बच्चे बच्चे को पता लग गया है कि कॉज ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, हमारे जो असल रूलर्स हैं वो कौन हैं, पॉलिसीज कौन बनाते हैं, और इनके पीछे कौन है। लेकिन अभी बोलने में डर लगता है, आप बोल रहे हैं, मैं तो हैरान हूं। देखें देखें मेरी मेरी सुहेब साहब मेरी बात सुने, ये जो नामालूम का खौफ है कि मुझे किसी भी केस में नामालूम के तौर पर आपको इनको इनको किसी को भी ले जाते हैं, पहले ये बात छुपी हुई थी मिसिंग पर्सन के हवाले से, अब ये बात एवरीबॉडी नो, एवरी पाकिस्तानी नो, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल नो कि ये कौन है इनके पीछे। नहीं सर,
क्लियर तो ये कहते रहे लोग कि जब हम कहते थे या कोई नारा लगाता था कि भाई ये जो मतलब मामला होते हैं इसके पीछे हमारे अपने ही लोग हैं, तो कहा जाता था नहीं नहीं ये तो इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, भारत जो उनसे वो इन्वॉल्वमेंट करता है, भारत जो उनसे हमारे अदारों को खराब करने की कोशिश करता है। सिक्योरिटी किसके हैंड ओवर है, अदारे कौन है? डेफिनेटली आप जिनका नाम ले रहे ठीक है वही है। अगर वो फेल हो रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन? इतनी बड़ी फौज का जो इन्होंने नेटवर्क बना रखा है वो किस लिए है? यानी वो इन चंद चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते? इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इनकी दस्तरस से भी बाहर हैं। अच्छा। अब आप आगे आ जाए, मतलब ये हमारी भी जो कंट्रोल पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनके कंट्रोल से बाहर है इस टाइम पाकिस्तान की, तो ये क्या तमाशा लग रहा है? पीछे इतने हजारों जाने गई हैं तो इसका मतलब इनके कंट्रोल में था? चलें मान लेते हैं कि नहीं था, खुद करवा रहे थे, मिसाल के तौर पे मिले हुए थे, पाकिस्तान के अंदर एक क्रॉस क्रिएट किया हुआ था, हमें नारों तरानों में लगाया हुआ था, ठीक जी, जज्बे पे लगाया हुआ था। अब वो जज्बे, अब वो तराने, अब वो इमोशंस, अब वो डायलॉग्स किधर हैं? उनकी रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पे आपको क्या नज़र आती है? जितने लोग बैठे हैं ना, अब इन सबको पता लग गया है। क्यों लगा है पता यार? एक बार, दो बार, तीन, जब एक एक्शन बार बार रिपीट होगा तो एट द एंड ऑफ द डे उसकी सच्चाई लोगों को सामने आ जाती है। और वो अब मैं आपको अफगानिस्तान की सर बात करना चाहेंगे कि ये अटैक जो हो रहे हैं अभी कल की बात है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और उससे पहले उनके जो प्राइम मिनिस्टर जो मतलब तालिबान के हवाले से अगर बात करें वो वार्न कर चुके हैं डायरेक्टली कि भाई आप जिस तरीके से हमारे बशिंदों को वापस भेज रहे हैं आप ये बेहतर नहीं कर रहे, हम इसका रिएक्शन देंगे। तो क्या ये वहाँ से तो रिएक्शन नहीं आ रहा? मेरी बात सुने आप, पाकिस्तान है, बीच में रोक रहा हूँ, जिस तरह से अफगानियों को निकाला जा रहा है ना पाकिस्तान से, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसके सबूत भी दे चुका हूँ कि भाई अब डॉलर आने बंद हो गए हैं। अफगान रिफ्यूजी के नाम पे जो अरबों डॉलर आते थे वो डॉलर आने बंद हो गए। इन्होंने अमेरिका से और यूएन से अरबों डॉलर कमाए हैं भाई, अरबों डॉलर, और ये ऑन रिकॉर्ड है। मतलब अगर एक पाकिस्तानी ढूंढना चाहे तो ढूंढ लेगा, मैं कई बार सबूत दिखा चुका हूँ, इसमें कोई ढकी छुपी लुकी बात नहीं है। अब चूंकि वो आने बंद हो गए तो भगा रहे हैं। अब सोचिए कि 40 साल 50 साल से जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं वो जब जा रहे हैं, उनके कुछ वीडियोज आ रहे हैं वहां से, बेचारे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपना घर टूटते हुए देख रहे हैं, वहां जाएंगे अब कुछ नहीं है उनके पास जहां छोड़कर आए थे। मतलब वो सच कहूं तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फुटबॉल बन गए, और ये वही पाकिस्तान है जो मुसलमानों का हिमायती होने का दावा करता है, उसको फिलिस्तीन का दर्द दिखाई देता है वहां के मुसलमानों का, भारत के मुसलमानों का दर्द दिखाई देता है, जम्मू कश्मीर को लेकर वो ज्यादा सेंसिटिव है, वहां के मुसलमानों पर जुल्म दिखाई देता है, लेकिन ना तो उसे चाइना के उइगर मुसलमानों का दर्द दिखाई देता है और ना ही उसे अपने देश में आप जो बिरादर मुल्क, पड़ोसी मुल्क, मुसलमान मुल्क अफगानिस्तान के लोगों के साथ कर रहे हो, 30 साल 35 साल 40 साल से जो रह रहे हैं वहां पे, उनका भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो सोचिए कि ये कैसी दोगली पॉलिसीज है इनकी। और अगर पाकिस्तानियों को यकीन नहीं हो आपको तो ये आपके जितने जर्नल है, आपकी सेना है, सिर्फ अपना जेब देखती है अपनी, उसको कोई मतलब नहीं है पाकिस्तानियों से, उसको कोई मतलब नहीं है इस्लाम से, उसको कोई मतलब नहीं है मुसलमानों से, वो सिर्फ अपनी जेब देखती है और उसे चाहिए किसी दूसरे देश में जाकर कोठी बनानी है। और मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप कह दीजिए। चू चू का मुरब्बा। अच्छा। क्या है? चू चू का मुरब्बा। एक भी इदारा किसी के कंट्रोल और उसमें नहीं है, सारे अदारे बेबाक हैं, सारे अदारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जिसका जो दिल चाहता है वो पाकिस्तान में कर रहा है, और इसका मुशाहिदा आपको हर रोज़ मिलता है। आप उसका रुख जुडिशरी की तरफ मोड़ लें, देर इज़ नो लॉ इन लॉ। मुझे किसी, बहुत पुरानी बात है, जब मैं लॉ का स्टूडेंट था सुहेब, तो एक बड़ा ही ओल्ड मैन आ रहा था, ये मैं आज से 30 साल 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ, बड़ा इंग्लिश टाइप उसने हैड पहना हुआ और सूटेड बूटेड, तो मैं यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था, मैं स्टूडेंट था लॉ का, तो अचानक मेरे सामने आके कहता है, यंग मैन व्हाट्स योर गुड नेम? मैंने कहा सर माय नेम इज़ हाशिम नियाजी। मिस्टर नियाजी व्हाट यू डू? मैंने कहा सर आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ। पता है क्या कहता है? यू आर स्टूडेंट ऑफ लॉ इन लॉलेस कंट्री।
36 years ago he said to me this. और मेरी पूरी 36 साल वकालत के अंदर अब जाके मुझे पता तो उस वक्त भी लग गया था जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में आए थे, अब ये कन्फर्म हो गया है कि देर इज़ नो लॉ इन दिस कंट्री, लॉलेस कंट्री। और वो बात जो चंद लोगों को पता थी आज से 22 साल 15 साल पहले, अब वो हर एक को क्यों पता लग रही है कि उसकी डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना वो इतनी वाजिया हो चुकी है कि अब हर एक को पता लग गया है कि पाकिस्तान में देर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन, देर इज़ नो लॉ, देर इज़ नो जुडिशरी, देर इज़ नो एनी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। और ओनली वन पावर इन पाकिस्तान, वो पावर जो है वो आप सबको पता है। अच्छा सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो मैं आपसे करूंगा कि भाई ये सबको पता चल गया, आपने बोला बच्चे बच्चे को पता चल गया, नो डाउट हर बच्चे को पता है, लेकिन जो लोग इन चीज़ों के जिम्मेदार हैं वो ये चीज़ नहीं नोट कर रहे कि यार अब हम सामने आ चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, बस करें या पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की बेहतरी का सोचें। सुहेब, मैं एक और मिसाल देने लगा हूँ, अगर हिम्मत हो तो चला देना, हिम्मत हो तो चला देना, कोशिश। ये मैं आपको असल चीज़ इस बात में, इस मुशाहदे की बात में आपको बताने लगा हूँ। आप क्या हैं? एक एंकर हैं, साफ़ी भी होंगे, ठीक हो गया। एक कमरे के अंदर आप भी बैठे हुए हैं, दो वकील तीन चार बैठे हुए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के माहिर हैं, अदालतों के माहिरीन हैं, उनको सारे लॉ का पता है, अदारों का पता है। दो मेरे साथ राइटर बैठे हुए हैं, एक दानिश्वर बैठा हुआ है, एक मुफक्कर बैठा रहा, एक वक्त का शायर बैठा हुआ है, दो दीन के मुबल्लिगीन बैठे हुए हैं। वी ऑल आर सिटिंग इन वन रूम और वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, क्या यार ये मुल्क में क्या हो रहा है, हर अदारा बेशुदर बेमुहार है और ये क्या हमारे मुल्क में हो रहा है, ये हम डिबेट कर रहे हैं एक बंद कमरे में। अचानक दरवाजे पर लात पड़ती है और दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है, हम 10 बंदों की निगाह किधर जाती है, उस दरवाजे की तरफ जाती है कि व्हाट हैपेंड। हम देखते हैं कि वो दरवाज़ा खुलता है तो एक नौजवान लड़का अंदर दाखिल होता है और सब वो हम सबको देखता है, हम सब उसकी तरफ देखते हैं कि यार ये हुआ क्या है। अचानक हम सारे ये देखते हैं कि यार उसके हाथ में एक गन पकड़ी हुई है, मौज़र पकड़ा हुआ है। क्या? अब जब हम मौज़र देखते हैं तो हम थोड़े से सहम जाते हैं, 10 के 10 बंदे जो डिबेट कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, यार पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की अदारों की बात कर रहे हैं, यार ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, और अपनी तरफ से बेहतरीन डिबेट हो रही है कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। अब वो हम मौज़र देखते हैं कि उसके हाथ में मौज़र पकड़ा हुआ सेब, तो हम थोड़े से और सहम जाते हैं कि पता नहीं अल्लाह जाने कोई दहशतगर्दी नहीं होने लगी या क्या है। तो वो वहीं खड़े खड़े हमारी तरफ एक हल्की सी स्माइल देता है, हल्की सी, और मौज़र पकड़ के दो फायर करता है, धड़ धड़। आपको पता है बंद कमरे में मौज़र की, हम सारे और सहम जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि शायद ये दहशतगर्दी और आज हमें ये मारने आ गया, और डर के दबक जाते हैं। इतने में वो दूर से पता क्या कहता है, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ऐसे मौज़र पकड़ के कहता है आउट आउट। और हम सारे 10 के 10 इंटेलेक्चुअल, बड़े जहीन, बड़े फतीन, बड़े दानिशवार, अकलमंद, राइटर, मुफक्कर, लॉ के जानने वाले, आइन के जान, खामोशी के साथ निकल जाते हैं। ऐसे बड़ा है, ये मैं, बंदा कौन था? मैं आपको बताता, दुनिया का कानून ये है कि जिसके पास गन है, जिसके पास तलवार है, गन और तलवार के आगे इलम जो है वो बेकार है, उसकी काट नहीं हो सकती। उसने डिसाइड कर लिया है कि मैंने मारना है, अगर मेरी बात से इनहराफ किया या इनकार किया तो गन के आगे आर्गूमेंट्स नहीं है। हम कौन है 10 के 10 25 करोड़ के, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, हाथ है, जबान है, इलम है, गुफ्तगू है, उनके पास क्या है? जिसने आखिरी फैसला कर देना है और उसने आखिरी फैसला कर दिया 10 के 10। अब मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, बट द क्वेश्चन इज, और जो हो रहा है जिनको मिसिंग में उठाया जा रहा है, नामालूमों में उठाया जा रहा है, उन्होंने क्या किया है? गन के आगे आर्गूमेंट नहीं हो सकता, और उन्होंने आर्गूमेंट करने की कोशिश, गन है ना, तो मेरे पास तो गन नहीं है, मेरे पास तो आर्गूमेंट है, जबान है, कलम है, या दानिश्वरी है, मुफक्करी है, राइटिंग है। मैं उन्होंने क्या किया जिन्हें उठाया जा रहा है, मैं इस बात को शॉर्ट इस तरीके से करूंगा, उन्होंने शायद वही किया जो आप कर रहे हैं कि जिस तरीके से मतलब ओपनली जब बंदा बात करता है, हर एक अपने राइट के लिए बात करता है। अगर मैं बात करूं, मैं डेफिनेटली पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करूं और गारंटी से कहता हूं इनके दिल में पाकिस्तान, इनके दिल में पाकिस्तान का दर्द है, लेकिन बात करना इनका राइट है। सर, क्या कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है आपको? ऐसा लगता है कि यार देखें, हमेशा उम्मीद तो रखनी चाहिए, आपको लगता है कि यार अब ये नई जनरेशन आ रही है, यूथ आ रही है, सोशल मीडिया से चीज़ें सामने आ रही हैं?
मुझे ये बताओ ये प्रोग्राम कितने मिनट का है? ये प्रोग्राम हम 20 से 25 मिनट का करते हैं, लेकिन मेरा दिल कर रहा है आपके साथ ही बात की जाए पूरे प्रोग्राम में। चले इंटरनेशनल अफेयर्स को साथ हम टच में रखेंगे, इंडिया आगे 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 आ जाए। आपने बड़ी अच्छी बात की कि क्या उम्मीद करनी चाहिए। उम्मीद एक जी चीज़ है ना, दो तरह की उम्मीदें होती हैं, अल्लाह पे यकीन होता है, इंसानों से उम्मीद होती है, ठीक हो गया, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं है कि जिनके इस तरह के हालात हैं। माजी में आप चले जाएं, बड़ी तारीखें मिलती हैं। अल्लाह के निज़ाम में मुल्क इम्पॉर्टेंट नहीं होता, अल्लाह का निज़ाम इम्पॉर्टेंट होता है। मुल्क बनते रहते हैं, मुल्क टूटते रहते हैं, उनका वजूद बनता है फिर टूट जाता है। और तारीख में आप देखें, मैं बात करूं, क्योंकि मतलब यह है कि इस तरह एक डिबेट में खूबसूरती आती है। आपने बोला कि भाई अल्लाह के निज़ाम में अल्लाह का निज़ाम बेहतर है, मुल्क इंपॉर्टेंट नहीं, वो टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो सेकुलर कंट्रीज़ हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है, बाकी हमारा जो मज़हब है उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो अपने हद तक हम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये कहा जाता है हमारे लिए ये, तो शायद इसी वजह से टूटता भी रहता है कभी बांग्लादेश की सूरत में कभी। सो बात ये है, पाकिस्तान की बदकिस्मती सिर्फ एक है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना, जब ये आज़ाद हुआ था, बखुदा खुदा की कसम, अगर 1954 में जस्टिस मुनीर का ये फैसला ना आता, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी ना आता, फिर मैं कहूँगा कि मतलब बड़े हम्बली कहूँगा सर कि प्लीज़ आप मुझे बताएं कि आज़ाद कैसे हुआ था। अगर आप तक मेरा ये वीडियो पहुँचे तो मुझे कुछ प्रूफ दीजिए कि आज़ाद कैसे हुआ था, मतलब पाकिस्तान कहाँ था, पाकिस्तान किसका गुलाम था, किन दस्तावेज़ों में कहा गया कि जी ये पाकिस्तान देश है और इसके ये इसकी बाउंड्री है और इसके ऊपर फलाने का कब्जा है। मुझे लगता है कि बेहतर ये है कि पाकिस्तान बना, पाकिस्तान पैदा हुआ 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त वाला भी चूरन दिया हुआ है, शायद आपको पता ही होगा 14 अगस्त का जो चूरन दिया हुआ है, चूँकि इंडिया से ऊपर रखना था अपने आप को। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि रमज़ान के 27वें रोज़े को बना था और 27वां रोज़ा 15 अगस्त 1947 को था। जाकर कोई भी पाकिस्तानी जो मेरी बात सुन रहा है वो जाकर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो 14 अगस्त का झूठ दिया गया, 15 अगस्त को ही भारत आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान क्रिएट हुआ था, दस्तावेज़ों में उसका नाम आया कि अब से इस ज़मीन के टुकड़े को पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि पाकिस्तान बना था और उस दिन पाकिस्तान अलग हुआ, अलहदा हुआ भारत से, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। आज़ाद हुआ तो फिर वो फैक्चुअली मुझे लगता है कि ये रॉन्ग है कहना कि आज़ाद हुआ। और वो एक फैसला, अगर वो डट जाता जज, जस्टिस मुनीर की बात कर रहा हूँ, जिसने नज़रिया ज़रूरत का, अगर वो ना था तो आज पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते, ये बात एग्री करते हैं। और वो जो जस्टिस मुनीर का फैसला 54 में आया, उसके बाद फिर आगे आया, फिर उसके बाद ज़िया के दौर में आया, फिर उसके बाद मुशरफ के दौर में आया, और फिर मुख्तलिफ पीपल, मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं ये अपनी फेवर में मुख्तलिफ फैसले करवाते रहे। मैं कहता हूँ वो एक फ़ैसला पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता था, उन हज़ार लाखों फ़ैसलों से बेहतर था जो इस वक्त मुख्तलिफ अदालतों में होते हैं। सवाल ये है कि अगर 58 में पाकिस्तान पर ये मार्शल ला ना तो क्या समझते हैं सिर्फ पाकिस्तान के ये हालात होते हैं? मैं बिल्कुल इसे एग्री करता हूँ कि मार्शल ला थे जो हमने पढ़ा है, मैं भी गलत भी हूँ लेकिन मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। सर ने सवाल किया कि क्या अगर मार्शल ला ना लगता तो हम इस सिचुएशन में होते, तो मैं कहता हूँ एक दफ़ा मार्शल ला लगने से ऑलमोस्ट 10-20 साल कंट्री पीछे जाता है। ये इंटरनेशनल एक मतलब एक थ्योरी है और इसके ऊपर चलते हैं। और हमारे यहाँ पे कितनी दफ़ा सर मार्शल ला आ चुका है, ये एक सोचने वाली बात है। और सेकेंडली बड़ी बात ये, 1947 में एक और कंट्री था जो हमारे साथ ही जिसने सफ़र का आगाज़ किया, उधर कितनी तो आपको पता है एक न्यू वर्ल्ड पावर उभर के आई थी और वो कौन थी? अमेरिका। और अगर अमेरिका ना आता, अगर अमेरिका ना आता और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होती तो ये पाकिस्तान हिंदुस्तान अभी 25-30 साल ये रहने थे, गुलामी रहने थे, आज़ादी नहीं मिलनी थी। वो तो उनकी मजबूरी बन गई ना। बरतानिया के जवाल के बाद जब नई पावर अमेरिका आई तो वहाँ ये फैसला हुआ कि कौन कौन से मुल्क किस किस मुल्क की पॉकेट में जाएंगे। वहाँ अमेरिका बहादुर ने इराक और ये सारा जो एरिया है और पाकिस्तान को अपनी पॉकेट में ले लिया। जानते हैं क्यों लिया? अमरीका को क्या मसला था?
अमेरिका को मसला ये था कि वर्ल्ड वार जो सेकंड थी उस वक्त दो हिस्सों में दुनिया बटी हुई थी, एक कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट बड़ी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो रही थी और एक इधर एम्पीरियलिज्म का ज़माना था। ठीक है, अमेरिका को ज़रूरत थी पाकिस्तान की, इतने बड़े हिंदुस्तान को तो वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पाकिस्तान को चूज़ किया कि रशिया को, रशिया के सिस्टम को, निज़ाम को, गर्म पानी और इनका नज़रिया हिंदुस्तान उनके मुल्कों में ना जाए, उसने इसलिए पाकिस्तान को चूज़ किया। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम उनकी नज़र में आ गए बवजह मजबूरी। आप हिंदुस्तान में जाए ना शुएब, तो 10 दिन के बाद आप ये सोचने पे मजबूर होंगे पाकिस्तान की तरह। यार इतना छोटा मुल्क लगता है इंडिया में, इतना छोटा सा कि यार किधर है पाकिस्तान। इतने बड़े मुल्क पे कब्जा हो ही नहीं सकता, माशाल्लाह आ ही नहीं सकता, पहली बात। ठीक है, और दूसरा सियासी लिहाज से, इंटेलेक्चुअल लिहाज से हिंदुस्तानी जो वो जो उनकी जो रजीम थी ना, लोग कांग्रेस वगैरह, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उन्हें किसी मुल्क की ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए इतनी बड़ी मंडी थी कि वो डिपेंडेड ही नहीं थे किसी के ऊपर, बल्कि अमेरिका, यूरोप और बरतानिया वगैरह वगैरह की ज़रूरत है इंडिया की। आज भी देखो उनकी ज़रूरत है। ठीक है, पाकिस्तान को उन्होंने प्रॉक्सी वॉर के लिए चूज़ किया, रशिया को रोकने के लिए यूज़ किया, और वो वार जो पहले रशिया के साथ थी आज चाइना के साथ है। सर अगर यही कंसेप्ट लेके चलें, ठीक है आपकी बातों से मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ, लेकिन अगर यही कंसेप्ट लेके चलें तो आप ऐसे तो फिर हम ये कहेंगे कि हमेशा हम अमेरिका के नीचे रहेंगे, दबाव में रहेंगे हम, लेकिन इधर बांग्लादेश की बात करें, वो देखें इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करके कितना अपना स्मूथली चल रहा है, हमारे से आगे है। इवन आज के दौर में अगर अफगानिस्तान की बात करें, जिधर कई साल जंग लगी रही है, आज वो अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, आज वो अपना डिप्लोमेटिक वे में सबके साथ चलने की कोशिश कर रहा है, चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है। हम जो उनसे हैं, कभी अफगानिस्तान से लड़ने का हमारा शौक हो जाता है, कभी इंडिया को हम कहते हैं हमारी टांग ऊंची उठती है, कभी हम जो उनसे वो जाके सुहेब बर्मा में। पाकिस्तान की हालत क्या है, दायरा है कि टूटता ही नहीं। अच्छा। दायरा है कि टूटता ही नहीं, खुद से निकलूं तो तुझसे बात करूं। ये तो 75 सालों से अमेरिका बहादुर ने हमें अपना गुलाम बना के रखा हुआ है, और गुलाम कैसे बनते हैं? अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इशू आ जाए, अगर फर्ज किया मार्शाला ना हो, फर्ज करें मार्शाला ना हो और असम्बली बैठी हो, फ़र्ज़ किया एक इशू आ जाता है, अमेरिका चाहता है कि मेरी बात ये माने, वहाँ 345 बंदों की उनको कॉन्सेंट चाहिए, नेचुरल है, और अगर वो ना हो तो सिर्फ एक बंदे की चाहिए, और डिक्टेटर जो भी होगा, जो भी मार्शल लॉ का जो होगा, एक बंदे की मर्ज़ी काफ़ी है, और अपनी उनके लिए तो आसानी ये है ना। इसलिए पाकिस्तान में होता है कि आप देखें, चाहे ज़िया के दौर की बात थी, रशिया के और किसके ख़िलाफ़ लड़ी गई, वो जो 45 से कोल्ड वार हॉट वाटर के लिए चल रही थी, उस कम्युनिज्म के फैलाव को रोकने के लिए चल रही थी, उसका दरमियान में ज़िया उल हक में दौर में क्या हुआ, रशिया आ रहा था ना, तो फिर किसके ज़रिए रशिया को रोका इन्होंने, तो पाकिस्तान के, तो फिर इम्पोर्टेंट कौन हुआ, वो जनरल हुआ कि असम्बली हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। और चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, मुझे अच्छा लगा कि शोएब भाई ने इनका इंटरव्यू लिया। मैं भी ज़्यादातर इनकी बातों से सहमत हूँ, वो सिर्फ आज़ाद होने वाली बात को छोड़कर। देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की संख्या बड़ी कम है, और पाकिस्तान के लोग जो हैं उनकी मेंटेलिटी ऐसी हो गई कि वो ऐसे लोगों को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि ये उनके हिसाब से बात नहीं। अगर इनकी बातों पर गौर करके, इन जैसे लोगों की बातों को गौर करके अगर पाकिस्तानी सुनते हैं और उस पर अपना अमल करते हैं, तो शायद पाकिस्तान का कुछ भला हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान जिस कगार पर पहुंच गया है, जिस रास्ते को अख्तियार करके वो जिस कगार पर पहुंच गया है, वहां से वापसी बड़ी नामुमकिन सी लग रही है। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन 76 ईयर्स में पाकिस्तान ने जो रास्ता चुना, नफरत का रास्ता चुना, जंग का रास्ता चुना, रेडिकलाइजेशन का रास्ता चुना, उस रास्ते ने पाकिस्तान को उस खाई की कगार पर लाकर खड़ा किया है, जहां से शायद हल्का सा एक कदम भी सीधे धड़ाम कर देगा। आज जो पाकिस्तान की हालत है, वो सिर्फ इसी वजह से। पाकिस्तान की आवाम को मैं इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार समझता हूं कि जब पहली बार मार्शाल्लाह लगा तो पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर क्यों नहीं आई, और उसने ऐसा उदाहरण क्यों नहीं सेट किया कि आगे किसी आर्मी जनरल की हिम्मत नहीं होती कि वो पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में लेता, मार्शाल्लाह लगा देता। तो पाकिस्तान की जनता की बुजदिली कहूंगा मैं,
तो जब उस समय बुजदली आपने दिखाई, उस बुजदली का नतीजा है कि आज आप आटे की लाइन में खड़े हैं, आज आप 300 रुपए पेट्रोल लेने को मजबूर हैं, आज आप 150 रुपए किलो आटा खाने को मजबूर हैं। तो अगर आपने उस समय अपने दिल से बुजदली हटा दी होती, जो असल जज्बा कहते हैं आप, जो असल ईमान कहते हैं, कहते हैं कि जो हम मुसलमान हैं और ये, तो उस समय अगर ये आपने दिखाया होता तो आज आपके देश की हालत ऐसी नहीं होती। मेरी बातें आपको बुरी लग रही होंगी, लेकिन कभी फैक्चुअली बैठकर सोचिएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, और इनकी बातों को सुनिएगा कि इन्होंने क्या बातें कही। दिमाग लगाइए, दिमाग दौड़ाइए, शायद 0.1% का वक्त बचा होगा, उसमें भी आप लोग समझ जाइए कि आप लोगों को करना क्या है। क्योंकि अगर अब नहीं कर पाए ना, फिर कीड़े मकोड़ों की तरह आप लोग पिसते रहेंगे। माफ कीजिएगा कि कीड़े मकोड़ों में कह रहा हूं, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जिस तरह कीड़े मकोड़ों को बड़े जायंट जो होते हैं वो कुछ नहीं समझते, वैसे ही आपके यहाँ सेना और जो बड़े नेता हैं वो आपकी अपनी आवाम को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा नहीं समझते। तो अभी भी वक्त है थोड़ा सा, लेकिन यूथ को उन्होंने कहां फंसा दिया है, नफरत में, इंडिया, हिंदू, काफिर, बनिया, ये डर वो डर, ऐसा है वैसा है, इस्लाम का राज, ये राज वो राज। तब यूथ समझे कि अपने देश के साथ क्या करना है। रूल जुलूल चीजों में वो सड़क पर निकल आते हैं, लेकिन जहां पर बात होगी अपने हक की, अपने देश को बचाने की, अपने देश को संवारने की, डेवलप करने की, वहां पर नहीं आएंगे, सब घर में बैठे रहेंगे चुपचाप। लेकिन अभी इस्लाम से जुड़ा कोई चीज का हो जाए, अभी देखिए पूरा पाकिस्तान सड़क पर आ जाएगा, जमात इस्लामी एकदम, जमात इस्लामी नहीं, क्या नाम है उसका, टीएलपी वाले, लब्बैक वाले, भीड़ पूरी जमा हो जाएगी। लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेजेस के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए, स्कूल्स के लिए, एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, डेवलपमेंट के लिए कोई नहीं निकलने वाला, कोई नहीं। कमेंट में आप जरूर बताएं, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।